18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की सर्वोच्च आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रहा। धीरे धीरे देश का आर्थिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक व राजनैतिक पतन हुआ, जिससे देश लूटा गया और बर्बाद हुआ। आजादी के बाद भी राजतंत्र, कुटिल शासन तंत्र, बेईमान व्यापार तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से देश आर्थिक गुलामी की बीड़ियों में जकड़ता जा रहा है। इस लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने का एकमात्र उपाय है इसका संपूर्ण बहिष्कार तथा स्वदेशी को अपनाने के संकल्प के साथ एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना। स्वदेशी प्रचार करना व्यापार नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्रकल्प में जो भी न्यूनतम लाभांश होता है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ राष्ट्र सेवा, स्वदेशी योग, आयुर्वेद व भारत स्वाभिमान के पावन उद्देश्य के लिए सदुपयोग किया जाता है। स्वदेशी प्रचार का तात्पर्य केवल पतंजलि से नहीं है, बल्कि व्यापार से लेकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत व भारतीयता के पोषक कार्य व व्यवहार पद्धति से है। जब विश्व की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका व चीन स्वदेशी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, तो भारत में स्वदेशी को पूर्ण सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? देश में योग क्रांति के बाद कृषि व स्वदेशी क्रांति के उद्देश्य से हरिद्वार की पावन भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के निर्देशन में पतंजलि आयुर्वेद का दुनिया के सबसे विशालतम फूड प्रोसेसिंग प्लांट पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क देशवासियों की सेवा में समर्पित है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में न्यूनतम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण, जड़ी बूटियों तथा कम मूल्य पर हानि रहित पदार्थों के सम्मिश्रण से सौंदर्य प्रसाधन व दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का निर्माण एवं उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्रियों का निर्माण, विश्व की अत्याधुनिक मशीनों, तकनीक एवं मापदंडों पर परंपरागत मूल्यों तथा आदर्शों के निर्वहन के साथ हाइजेनिक वातावरण में विशाल स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य वर्धक और ताजी खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए पतंजलि आयुर्वेद सीधे खेतों से भोजन की थाली तक आपूर्ति श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता को बनाए रखते हुए किसानों को उचित मूल्य प्रदान कर रहा है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाई में अनाजों का प्रसंस्करण संयंत्र, दाल एवं मसाला प्रसंस्करण संयंत्र, फलों व सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु जूस प्लांट, आयुर्वेदी इकाई, जड़ी बूटी घनसत्व इकाई, सौंदर्य प्रसाधन इकाई, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप USFDA आदि मानकों के क्रम में क्लीन रूम और HACCP के अंतर्गत किया जा रहा है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में प्रतिमाह 12,900 टन खाद्य पदार्थ, जूस और कैंडी 11,075 टन प्रतिमाह, सौंदर्य प्रसाधन 425 टन प्रतिमाह, आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए प्रतिवर्ष 1,72,000 मैट्रिक टन कच्चा माल प्रयुक्त होता है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क से प्रत्यक्ष रूप से 7,000 लोगों को तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2,00,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर व स्पिरिचुअल कैरेक्टर का समन्वय पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क आयुर्वेद के प्राचीन पारंपरिक शास्त्रीय ज्ञान को शुद्ध रूप में आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अपनी उत्पादन इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, WHOGMP GPP स्कोप सर्टिफिकेशन, कंट्रोल यूनियन सर्टिफिकेशन, इंडियन ऑर्गेनिक एंड USDA जैसे अत्याधुनिक गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए विश्व स्तरीय आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल कॉस्मेटिक्स व खाद्य उत्पादों का उत्पादन कर हेल्थ, एग्रीकल्चर एवं FMCG सेक्टर में अभिनव आयुर्वेदीय क्रांति का पर्याय बन रहा है। आइए अब आपका परिचय हम हर्बल फूड एवं पार्क में उत्पादित पतंजलि आयुर्वेद के 500 से अधिक सबसे अच्छे और सबसे सस्ते कॉस्मेटिक्स व स्वास्थ्य वर्धक खाद्य उत्पादों से करवाते हैं।
दिव्य अमृत रसायन, दिव्य च्यवन प्राश स्पेशल, दिव्य च्यवन प्राश, दिव्य हरिद्राखंड, पतंजलि बादाम पाक इत्यादि। पतंजलि आंवला स्वरस, पतंजलि एलोवेरा जूस, पतंजलि एलोवेरा रस फाइबर, पतंजलि एलोवेरा रस संतरा, पतंजलि लौकी रस, पतंजलि लौकी आंवला रस इत्यादि। पतंजलि आंवला कैंडी, पतंजलि आंवला मुरब्बा, पतंजलि आंवला चटपटा, पतंजलि बेल मुरब्बा, पतंजलि गाजर मुरब्बा, पतंजलि हरड़ मुरब्बा। पतंजलि पाचक अजवाइन, पतंजलि पाचक हरड़ वटी, पतंजलि पाचक मेथी, पतंजलि पाचक नींबू वटी, पतंजलि पाचक छुहारा, पतंजलि पाचक हींग पेड़ा, पतंजलि पाचक हींग वटी इत्यादि। पतंजलि आरोग्य नवरत्न आटा, पतंजलि आरोग्य गेहूं आटा, पतंजलि घराट आटा, पतंजलि बेसन, पतंजलि आरोग्य दलिया इत्यादि। पतंजलि आरोग्य बिस्कुट, पतंजलि शहद, पतंजलि मिक्स फ्रूट जैम, पतंजलि सेब चटनी, पतंजलि नमक, पतंजलि पाइनएप्पल जैम इत्यादि। पतंजलि कांति एलोवेरा, पतंजलि कांति पंचगव्य, पतंजलि सौम्य हल्दी चंदन, पतंजलि गोमूत्र कांति, पतंजलि कांति नीम, पतंजलि ओजस मुल्तानी मिट्टी, पतंजलि ओजस एक्वा फ्रेश, पतंजलि केश कांति हेयर क्लींजर इत्यादि। दिव्य कांति लेप, पतंजलि तेजस एंटी रिंकल क्रीम, पतंजलि तेजस ब्यूटी क्रीम, पतंजलि तेजस बॉडी लोशन, पतंजलि एलोवेरा जेल, पतंजलि पीडांतक पेन रिलीवर इत्यादि। पतंजलि दंत कांति डेंटल क्रीम, पतंजलि दंत मंजन, पतंजलि दंत ब्रश। आरोग्य अरहर दाल, आरोग्य उलद छिलका दाल, आरोग्य मसूर दाल, आरोग्य मसूर मलका दाल, आरोग्य मूंग छिलका दाल, आरोग्य लोबिया दाल इत्यादि। पतंजलि उज्जवल डिटर्जेंट पाउडर, पतंजलि उज्जवल डिटर्जेंट केक, अब 1 मार्च 2012 से पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जड़ी बूटियों से निर्मित 500 से अधिक सबसे अच्छे, सबसे सस्ते कॉस्मेटिक व स्वास्थ्य वर्धक खाद्य उत्पाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के ओपन मार्केट में उपलब्ध है तथा भारत के शेष प्रांतों में शीघ्र उपलब्ध कराने की योजना है। स्वास्थ्य एवं समृद्धि के इस महाअभियान में स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी विचार एवं स्वदेशी दर्शन पर चलते हुए योग क्रांति के बाद कृषि एवं स्वदेशी क्रांति के सूत्रपात से देश के लगभग 70 करोड़ कृषकों व कृषि पर आधारित आजीविका वाले मजदूरों के लिए समृद्धि, स्वावलंबन व आत्मसम्मान का स्वर्णिम द्वार खुलेगा। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, पतंजलि आयुर्वेद को अपनाकर महात्मा गांधी व शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे।